आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, राइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए भी और एज वेल एज वेक्टर की और स्केलर की नेचर को समझने के लिए, राइट। तो हम पहले देख रहे हैं स्केलर की प्रॉपर्टीज। आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट आर कॉम्यूटेटिव, राइट। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, देखिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू क्या हो सकता है, इट इज इक्वल टू वेक्टर b डॉट वेक्टर a होगा। कैसे, देखिए a डॉट b को हम क्या लिखते हैं, वेक्टर a डॉट b को हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह अगर b डॉट a को लिखें तो क्या लिखेंगे, इट इज बी ए कॉस थीटा, और बी ए को आगे लिख दे या ए बी को आगे लिख दे कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट। इस हिसाब से हम लिख रहे हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, राइट। सो स्केलर प्रोडक्ट आर कॉम्यूटेटिव, क्लियर। सेकेंड, स्केलर प्रोडक्ट आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर कैसे होता है। जैसे हम लिख रहे हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर c, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकेंगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर c। तो ये जो नेचर है इसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर। थर्ड, अगर कोई वेक्टर दो ले ले विच इज परपेंडिकुलर टू इच अदर, इफ वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू b देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज जीरो। कैसे, देखिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ठीक है। अब इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। क्योंकि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच का एंगल कितना है, 90, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू आपको पता है, इट इज जीरो। सो एंटायर टर्म इज जीरो। सो प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इन स्केलर इट इज जीरो, क्लियर, ओके। देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने क्या लिया था, दो वेक्टर परपेंडिकुलर लिए थे। यहाँ पर लेते हैं, इफ टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। दैट इज, आप समझ लीजिए, सपोज वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, ठीक है। देन their product in scalar is positive maximum value, क्या होता है इसका मतलब, देखिए आप ले रहे हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b, राइट, ये दोनों का प्रोडक्ट है, विच इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर हमारे दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल है। तो दो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है, 1। तो देखिए यहाँ पर आपको मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी जब दोनों वेक्टर कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। ऐसा सिर्फ स्केलर में होता है, ध्यान रखिएगा, ओके। आइए देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है। If two vectors are opposite to each other, right? Opposite to each other है मतलब मान लीजिए यहाँ पर एक ये वेक्टर a है, ठीक है, इससे अपोजिट दूसरा वेक्टर b है, ऐसा कुछ है। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, आपको पता है, इट इज 180, राइट। तो यहाँ पर लिख रहे हैं two vectors opposite to each other, then their scalar product is negative maximum. कैसे? देखिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b लिखा हमने, ठीक है, विच इज ए बी कॉस थीटा होता है. थीटा कितना है? ये अपोजिट वेक्टर्स है तो इनके बीच का थीटा एंगल कितना है? 180. तो आप लिखेंगे ए बी कॉस 180 डिग्री. कॉस 180 कितना होता है? इट इज -1. सो ये होगा माइनस ए बी. आप देख सकते हैं नेगेटिव मैक्सिमम आया ना हमारे पास. ये हुई हमारी 5th प्रॉपर्टी. आइए देखते हैं 6th प्रॉपर्टी. सेक्स प्रॉपर्टी क्या हमारे लिए? अगर हम किसी एक वेक्टर को सेम दूसरे वेक्टर के साथ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, तो क्या होगा? देखिए, तब ये होगा इट इज ए डॉट ए, राइट, सेम है तो इट इज ए और ए कॉस थीटा. क्योंकि ये दोनों सेम वेक्टर है तो एंगल कितना होगा? 0 होगा, राइट. तो ये होगा आगे जाकर cos 0 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ होल स्क्वायर, राइट. ये हुई इसकी 6th प्रॉपर्टी, राइट. मतलब इसे कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर. क्लियर? ये हुई 6th प्रॉपर्टी. आइए देखते हैं 7th प्रॉपर्टी को. 7th property, if the base vector are multiplied with the another same base vector then product is यूनिटी. प्रोडक्ट इज यूनिटी. इसका मतलब क्या होता है? देखिए, यहां पर बेस वेक्टर आई है हमारे पास, ठीक है, इसको मैं प्रोडक्ट करूंगा दूसरे आई के साथ, राइट. तब क्या होगा? इट इज आई डॉट आई, राइट. आई की वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बेस वेक्टर है तो इसकी वैल्यू 1 है हमारे लिए. यहां पर भी ये 1 होगा और इट इज कॉस 0 डिग्री. तो क्या होगा? कॉस 0 भी 1 ही होता है तो ये आंसर आएगा 1. तो इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल आई डॉट आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1 होता है, राइट. ये हमें पता चलता है यहाँ पे, ठीक है. और देखते हैं 8th प्रॉपर्टी. 8th प्रॉपर्टी क्या होगी? देखिए, 8th प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख सकते हैं if one base vector vector is multiplied with another base vector then their product इज 0. उनका प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा. कैसे? मान लीजिए आप लेते हैं आई डॉट जे, तो ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ 1 बेस वेक्टर विथ अनदर. इसकी वैल्यू 1 है हमारे पास, इसकी भी वैल्यू 1 है. कॉस, क्योंकि ये x दिखाता है, ये y एक्सिस दिखाता है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90. कॉस 90 क्या होता है? 0. तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इनका प्रोडक्ट का आंसर हो जाएगा 0. तो इसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं? इट इज, हम लिख सकते हैं आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के और के डॉट आई ऑल इज इक्वल टू जीरो. क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं 9th प्रॉपर्टी. Scalar product of 2 vector is is equal to the sum of their corresponding बेस वेक्टर, राइट? क्या होता है इसका मतलब? मान लीजिए आप लेते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है? तब इसे हम क्या लिख सकेंगे? इसे हम लिख सकेंगे करस्पॉन्डिंग सम ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस वेक्टर। सो इसे लिखेंगे ए एक्स बी एक्स प्लस, देखिए एक्स ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ ए इज इन प्रोडक्ट विथ एक्स कंपोनेंट ऑफ बी, फिर प्लस क्या आएगा? y कंपोनेंट ऑफ A is in product with y component of B. इसी तरह z component of A is in product with z component of B, right? So ये हुआ हमारे लिए 9th प्रॉपर्टी। देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, राइट? सपोज कोसाइन एंगल फाइंड करना है हमें, राइट? सो कोसाइन एंगल क्या होगा यहाँ पर हमारे लिए? कोसाइन एंगल फॉर स्केलर प्रोडक्ट इट इज सपोज टू बी द कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्या लिख सकेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये लिखेंगे। इसे हम कंपोनेंट में दिखाएं या बेस वेक्टर में दिखाएं तो क्या लिख सकेंगे? देख सकते हैं आप बेस वेक्टर में ऊपर a डॉट बी का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो वो सिंपली हो जाएगा ax bx प्लस ay by प्लस az bz होल बाय क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मतलब रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, राइट? इनटू रूट ऑफ bx स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो ये हुई हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है? थैंक यू।